धौलपुर जिले भर में आजादी की सालगिरह का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर मुख्य कार्यक्रम आरएससी परेड ग्राउंड पर आयोजन किया गया था। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी दी। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना महामारी की गाइडलाइन की पालना करते हुए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान पुलिस एवं आरएससी के जवानों ने परेड कर हैरतअंगेज करतब दिखाए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना में महती भूमिका अदा करने वाले समाज सेवी एवं कर्मचारियों के सम्मान का कार्यक्रम नहीं रखा गया। सम्मानित व्यक्तियों के मंच से नाम बोलकर सिर्फ सम्मान दिया गया। सम्मानित व्यक्ति के प्रशस्ति पत्र उनके घरों तक प्रशासन द्वारा पहुंचाए जाएंगे। राजस्थान के लोक कलाकारों ने कार्यक्रम में पारंपरिक राजस्थानी लोक संगीत की बेहतरीन प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम में महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में नृत्य कर आकर्षित प्रस्तुति दी। ध्वजारोहण के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र वर्मा ने राज्यपाल को संदेश मंच से सुनाया। उसके बाद पुलिस एवं आरएससी के जवानों ने कदम ताल मिलाकर बेहतरीन परेड का कार्यक्रम दिखाया। इसके बाद कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जायसवाल ने कोरोना संक्रमण से मौत का शिकार हुई स्वास्थ्य कर्मी शारदा शर्मा के परिजनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और नमन किया। जिला प्रशासन की तरफ से वैश्विक महामारी के दौर में महती भूमिका अदा कर चुके चिकित्सा कर्मी, समाज सेवी, पुलिस कर्मी आदि को सम्मानित किया गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना के कारण कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र नहीं दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किए गए व्यक्तियों के घरों पर ही प्रशस्ति पत्र पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत, धौलपुर भाजपा के विधायक शोभा रानी कुशवाहा सहित प्रशासनिक अधिकारी व सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए तालियों में गंजू से नहीं एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत। पुत्र उस पुरस्कार को जीतेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय अतिरिक्त जिला बस्ती खुशी फूलों से बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। अस्पताल में रोगी की माई से अपील